नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आजकल चर्चा में है प्रधानमंत्री मोदी की योग वाली स्थितियाँ। क्या इसके पहले भी वो कभी योग और ध्यान की मुद्रा में गए हैं? क्या अब जहाँ गए हैं वह कौन सा स्थान है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने उसी स्थान को चुना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेकानंद राग की, जिसने मोदी का ध्यान अपने ओर आकृष्ट किया और मोदी वहां पर ध्यान लगाने के लिए चले गए हैं। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव था, उसके पहले ही मोदी वहां पर चले गए हैं। तो आइए इन हम सारे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। चर्चा के पक्ष में हमारे होंगे खबर क्या है, विवेकानंद राग क्या है और प्रधानमंत्री क्यों करेंगे ध्यान। ये सारी चीजों को आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वह है विवेकानंद राग जहां पीएम रहेंगे ध्यानमग्न, जहां प्रधानमंत्री ध्यान में विलीन हो जाएंगे। क्यों विलीन हो जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद विवेकानंद राग क्या है, राग मतलब गाने बजाने वाले से, इसका राग बैंड से इसका संबंध नहीं है। राग एक विशेष स्थान है, क्यों यह हिंद महासागर और अरब सागर जहां का मिलन कहिए उसी स्थान पर यह है, कन्याकुमारी से नजदीक ही यह स्थान है जहाँ पर यह ध्यान की मुद्रा लगाए हुए हैं, ध्यानमग्न हुए हैं। यह स्थान विशेष क्यों है, इसका नाम विवेकानंद राग क्यों पड़ा, विवेकानंद कौन थे, क्या रामकृष्ण के और भी कोई शिष्य थे, अगर वह शिष्य थे तो वो कौन थे, क्या उनका नाम भी इनके साथ जोड़कर देखा जा सकता है, आइए हम बात ही कर लेते हैं। खबर क्या है, खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान के समापन के अवसर पर 30 मई और 1 जून विवेकानंद राग मेमोरियल का दौरा करेंगे और ध्यान लगाएंगे। खबर ये है कि इन्होंने 28 मई को घोषणा की कि हम 2 दिन 30 मई और 1 जून को विवेकानंद राग का दौरा करेंगे और वहीं पर ध्यान लगाएंगे, इसलिए यह चर्चा का विषय हो गया। 2019 के चुनाव के अभियान के अंत में उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की 2 दिवसीय यात्रा 15 घंटे लंबा एकांतवास एकांत का ध्यान किए थे। 2019 का भी जब चुनाव खत्म हुआ था तो यह केदारनाथ में ध्यान की मुद्रा में गए थे। केदारनाथ के जो हेड है शंकराचार्य, उनका यह दावा किया जा रहा है कि केदारनाथ में जो सोने की साज सज्जा थी लगभग 200 किलो से ज़्यादा, वह सोने की जो वस्तुएं थी जिसे साज सज्जा का काम किया गया था उसको हटा के उसके स्थान पर दूसरी चीज़ें लगा दी गई हैं और वहां सोने की मात्रा बहुत कम हो गई है। खैर, इसकी क्या पुष्टि है क्या पुष्टि नहीं है, अगर पुष्टि वाली खबर होगी तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं विवेकानंद राग की। राग क्या है, यह एक चट्टानी टापू है। क्या है, चट्टानी टापू है। कन्याकुमारी के वावाथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये जो हमारा कन्याकुमारी वाला हिस्सा है उसके जो समुद्र तट से, यहाँ हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के लगभग संगम कहेंगे, इनका मिलन स्थल कहेंगे, वहीं पर यह स्थित है चट्टानी टापू जिसका नाम विवेकानंद राग है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। 1892 में, जब 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए थे अपने सम्मेलन में, उसके पहले ही 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट से तैरकर चट्टानी टापू पर गए थे। कन्याकुमारी के तट से तैरते हुए इस चट्टानी टापू पर गए थे, इसलिए उसका नाम विवेकानंद राग, राग मतलब चट्टान, विवेकानंद टापू रख दिया गया, विवेकानंद राग रख दिया जाता है। 3 दिन और 3 रात ध्यान लगाया और ज्ञान की प्राप्ति की, और यह वही टापू है जहां पर प्रधानमंत्री गए थे। इसके पूर्व में 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट से तैरते हुए 500 मीटर दूर इस चट्टान पर गए थे, इस टापू पर गए थे और वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था और उस ध्यान के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो हमारे मोदी जी भी अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को मानते हैं और वह भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी ध्यान की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद 4 साल तक भारत के कोने कोने में घूमते रहे। कन्याकुमारी में उन्होंने आखिरकार अपना दर्शन तैयार किया और यही कारण है कि कन्याकुमारी में इन्होंने अपना दर्शन मतलब हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारे आदर्श क्या है, यह देश कैसा होना चाहिए, हमारे अनुसार इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया और एक अलग ही उन्होंने दर्शन तैयार किया। स्वामी रामकृष्णानंद को
1994 में लिखा रामकृष्णानंद कौन थे, आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और वैसे ही एक शिष्य थे स्वामी रामकृष्णानंद। सन्यासी इधर उधर भटक रहे हैं को 1894 में इन्होंने लिखा था विवेकानंद ने कि जो सन्यासी हैं इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं तत्व मीमांसा क्या है कि मतलब तत्व मीमांसा मतलब जो हमारा यह संसार है या हमारा जो दर्शन है या जिसको हम मानते हैं कि इसी के अनुसार यह जीवन चल रहा है, क्या वह किसी एक तत्व से मिलकर बना है या उसको निर्मित करने में अनेक तत्वों का योगदान है। अगर एक तत्व से बना है तो एकत्ववाद होता है और अगर दो या दो से ज्यादा तो उसको हम द्वैतवाद की संज्ञा देते हैं। तो तत्व मीमांसा इसी को कहते हैं, उस तत्व को ढूंढने की कोशिश कि हम जो है हमारा निर्माण है, हमारे पृथ्वी का निर्माण, हमारे देश का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण किससे मिलकर बना है, उसी को हम उस तत्व की खोज को ही, उस दर्शन को ही हम तत्व मीमांसा साधारण भाषा में कहते हैं। वह इन्होंने विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्णानंद को 1894 में लिखा कि सन्यासी इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं, यह सब पागलपन है। घूम घूम कर तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं, यह सब क्या है, पागलपन है, अच्छी बात नहीं है। उसके पहले 1893 में सितंबर के महीने में वह शिकागो में अपना धर्म सम्मेलन में भाषण दे चुके थे। क्या हमारे गुरुओं ने नहीं कहा था कि खाली पेट धर्म के लिए अच्छा नहीं है? और वह कहते हैं कि क्या हमारे गुरुओं ने ऐसा कहा था, नहीं कहा था क्या कि खाली जो पेट होता है, जो खाली पेट होता है वह धर्म के लिए अच्छा नहीं है, वे बेचारे लोग जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, वह केवल अज्ञानता के कारण है। चट्टान पर स्मारक का औपचारिक उद्घाटन 1970 में राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा किया गया था। उस चट्टान पर जो स्मारक का औपचारिक उद्घाटन 1970 में जो हमारे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उनके द्वारा किया गया था, उसका नाम विवेकानंद रख दिया गया। प्रधानमंत्री क्यों वहां पर ध्यान करेंगे, क्यों उन्होंने दूसरी जगह का चयन नहीं किया, तो इस पर कई तरह की बातें कही जा रही है। तो पहली बात की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, मतलब स्वामी विवेकानंद का जिक्र मोदी के भाषणों में भी आप देख सकते हैं, मन की बात में भी वो कभी कभी विवेकानंद के बारे में बताए हैं। विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि विवेकानंद ने जहां पर जाकर ध्यान किया था और उसके बाद उन्होंने अपने दर्शन को दिया, क्या हम भी हो सकता है वहां जाएं और अगर ध्यान करें और तो हमारा एक नया दर्शन तैयार हो सकता है, हमारे एक नए विचार आ सकते हैं और जो एक नई दिशा और दशा तय करेंगे देश की या उनके जीवन की। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन रामकृष्ण मिशन के सदस्य भी है और वह अपने भाषणों में बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित जो परोपकारी संगठन रामकृष्ण मिशन था वह उसके सदस्य हैं, इसलिए भी उससे वह जुड़े भी हैं, राजनीतिक रूप से भी जुड़े हैं और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हैं और आदर्श रूप में भी जुड़े हैं। स्वामी विवेकानंद के पास भारत के लिए एक भव्य दृष्टिकोण था, वही दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं हमारे मोदी जी और मुझे विश्वास है कि वे इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भारत को काम करते हुए गर्व से देख रहे होंगे और उनको ऐसा लगता है कि जो विवेकानंद का जो भारत के प्रति एक दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को हम भी पूरा करेंगे, उस दृष्टिकोण के अनुसार चलेंगे और विवेकानंद उस पूरे होते हुए दृष्टिकोण को देख सकेंगे, इसलिए हमने विवेकानंद राग के स्थान को चुना और वहीं पर जाकर ध्यानमग्न की मुद्रा में वो रहेंगे। बहरहाल विवेकानंद राग का चयन यह क्यों चर्चा में है, कुछ इसमें राजनीतिक विचार भी है, राजनीतिक क्या बता रहे हैं उनको भी जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो विवेकानंद राग का चयन हुआ है, लोकसभा का चुनाव दक्षिण में उनके स्पष्ट प्रयास, दक्षिण भारत में 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, यह 5 राज्यों में कुल 131 लोकसभा की सीटें हैं। प्रधानमंत्री की दक्षिण की एक तिहाई से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई है। प्रधानमंत्री ने जितनी यात्राएं की हैं उसकी 1/3, जैसे 100 यात्रा की हैं तो 33 यात्राएं दक्षिण भारत की ही की हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है और वहां पर वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट की स्थिति में भी मजबूत हो जाए, इसलिए वह वहां जाते हैं। 5 जो दक्षिणी राज्य हैं उसमें कुल 131 सीट हैं, जैसा कि हमने बताया पूरे भारत में 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 131 सीटें केवल
इन 5 राज्यों से हैं। और अकेले बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री का ध्यान इधर भी है कि हम उधर से अपने आप को, उधर के लोगों को अपने आप से जोड़ सकें, अपने मत से जोड़ सकें, अपने मनोभाव से जोड़ सकें, अपनी सिंपैथी के साथ जोड़ सकें, उनकी भावनाओं के साथ जोड़ सकें। और भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें कमजोर स्थिति है उसको मजबूत किया जा सके और उनको मत के रूप में रूपांतरित करके हम एक राजनीतिक तरीके से भी उसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की भी भविष्यवाणी की है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो दक्षिण भारत है उसके जो 5 राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, ऐसी उनकी भविष्यवाणी भी रही है। पूरी बात रही विवेकानंद राग की, विवेकानंद राग कहाँ अवस्थित है, उस स्थान को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना ध्यानमग्न की मुद्रा के लिए, इसलिए चुना कि वो विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। विवेकानंद ने भी वहीं पर कन्याकुमारी के तट से तैरकर उस स्थान पर पहुंचकर, उस टापू पर पहुंचकर और ध्यान किया था और वहां से उन्होंने अपना दर्शन तैयार किया। दूसरा दृष्टिकोण यह माना जा रहा है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके द्वारा कि दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है उस स्थिति को मजबूत करने का भी यह एक तरीका है, उस तरीके के रूप में देख रहे हैं। बहरहाल स्थितियाँ क्या है, विवेकानंद राग चर्चा में था इसलिए इस पर बात की गई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर ध्यानमग्न हैं तो लोकतांत्रिक पद के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं तो इसलिए ये भी चर्चा का विषय है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।